जब भी हम अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, कहीं पे लगाने के बारे में सोचते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दें, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें, बाद में वो बने ही ना। बट गाइज, आज के जो हमारी सोसाइटी है, आज की जो हमारी टाउनशिप है, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की जो हमारी टाउनशिप है, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड टाउनशिप है, जिसमें आपके बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते हैं। इसमें टोटल आपके 12 टावर्स हैं, जिसमें से 10 आपके ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, एंड 2 टावर ये नए लेकर आए हैं, जिसमें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3 BHK एंड 3+1 BHK। सारी अम्यूनिटीज बन चुकी हैं, पार्किंग स्पेसेस बन चुके हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी यूजेबल मिलने वाली है। तो आप देखिए प्रोजेक्ट के कुछ क्लिम्स, उसके बाद हम डिटेल्स पे बात करते हैं। चैनल ट्रस्ट द प्रॉपर्टी गुरु, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम। तो आज मैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आज की जो टाउनशिप है वो ऑलरेडी डिलीवर्ड टाउनशिप रहने वाली है। टाउनशिप का नाम रहेगा, जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पे बोर्ड भी देख सकते हैं, SBP ऑर्किड काउंटी के नाम से ये प्रोजेक्ट है। आई एम श्योर SBP का नाम आपने सुन रखा होगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी जाना माना नाम है, जिनके बहुत सारे कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से कुछ डिलीवर हो चुके हैं, कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, एंड कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो काफ़ी जाना माना नाम है, जिसके साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको कोई ट्रस्ट इशू नहीं होने वाला है। सो गाइज, दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट गेट ऑफ आर टूडेज प्रोजेक्ट। 12 acres की कम्प्लीट टाउनशिप है, जिसमें आपको 12 टावर्स मिल जाएंगे टोटल, जिसमें से 10 टावर्स आपके ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, जिनमें लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। इन्होंने 2 टावर यहाँ पे नए एड ऑन किए हैं, जो प्रीमियम सीरीज में ये लोग लेकर आए हैं, जो आपके बाकी टाउनशिप से थोड़े से हटके रहने वाले हैं, थोड़े बड़े साइज में मिल जाएंगे, थोड़ी प्रीमियम फैसिलिटीज उसमें आपको मिलने वाली हैं। तो उनमें आपको मिल जाएंगे 3 BHK एंड 3+1 BHK, 2 कैटेगरीज रहने वाली हैं, 2 डिफरेंट साइजेस में आपको ये मिल जाएंगे। लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, ये है आपका 115 सेक्टर ऑफ मोहाली, जिसके एडजॉइनिंग में आप ये खरड़ लांड्रा हाईवे अपना देख सकते हैं। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट का गेट है, ये आपका हाईवे आ जाएगा इधर। तो यहाँ से आपको जो अप्रोच है उसका पता लग गया होगा, यही रोड जो है वहाँ से आपको 5 स्टेट्स की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सीधे चले जाएंगे आप दिल्ली, हरियाणा के लिए, फर्दर चंडीगढ़ के लिए, आप आगे और भी स्टेट्स के लिए एक्सेस कर सकते हैं। इस साइड अगर आप चले जाएंगे, आप हिमाचल के लिए, जम्मू के लिए, और भी अदर स्टेट्स के लिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बात करेंगे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पे नियर बाय में आपका CGC लांड्रा आ जाता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है आपका, स्कूल्स हैं यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। अगर मैं मार्केट्स की बात करूँगी, तो आप बाहर देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे शॉपिंग आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे, फूड कोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब हर एक चीज़ आपकी रहने वाली है। बट सबसे मेजर जो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट में, वो है आपका अपकमिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट 9th Avenue, जो आपकी हाई स्ट्रीट मार्केट कंसेप्ट के साथ आ रहा है। वहाँ पे भी आपके बहुत सारे जाने माने ब्रांड्स आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ आपको प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट में मिल जाती है। सो गाइस, ये थी बाहर की बातें, अब आइए चलते हैं अंदर एंड कुछ अम्यूनिटीज़ दिखाती हूँ जो ऑलरेडी बन चुकी हैं, टावर्स आपको दिखाती हूँ, एंड बाकी बातें भी करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। आइए, गेट से अंदर जैसे आप एंटर करने वाले हैं, वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-way road आ जाएंगे आपके, जो आपके काफ़ी वाइड रहने वाले हैं। ग्रीनरी आप देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेन करी गई है, सेंटर में भी एंड साइड्स में भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें समझ आता है कि जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है। एमिनिटीज़ की बात करेंगे, तो प्रोजेक्ट में आपको 35,000 square feet का क्लब हाउस मिलने वाला है, जिसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपका जिमनाजियम, योर पार्टी हॉल, बैंक्वेट मिल रहा है आपको काफ़ी बड़ा,
आपका प्लेइंग एरिया आ जाएगा जिसमें आपको मल्टीपल प्लेइंग गेम्स मिल जाएंगी, कॉमन एरिया आ जाएगा एंड आपके रूफ टॉप पे काफ़ी अच्छा गार्डन रहने वाला है, प्लस आपका स्विमिंग पूल रहने वाला है एंड इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। एंड गाइज, अभी जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ ना, ये सारा आपका जो एरिया है इसके नीचे आ जाती है आपकी कंप्लीट पार्किंग, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में आपका जो पार्किंग है वो बेसमेंट पार्किंग आपको मिलने वाला है। पार्किंग का कोई इशू नहीं होगा। जो विजिटर्स की पार्किंग है वो ऊपर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हो सकती है, आपकी सरफेस पार्किंग भी है देन आपका बेसमेंट पार्किंग भी रहने वाला है, तो पार्किंग का तो इस प्रोजेक्ट में आपको कोई इशू नहीं आएगा। एंड अब बात करते हैं इन्वेंट्रीज के बारे में जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो आपकी एड ऑन हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके दो टावर्स एड ऑन हो रहे हैं जिसमें आपको 3 BHK एंड 3+1 BHK मिलने वाला है, जिसमें आपका जो 3+1 BHK रहेगा वो रहेगा आपका 2050 स्क्वायर फीट में एंड जो आपका 3 BHK रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 1960 स्क्वायर फीट के अंदर। तो ये दो इन्वेंट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कंप्लीट डिलीवर्ड टाउनशिप है, तो आप इसको देख भी सकते हैं आके, काफ़ी अच्छी टाउनशिप बनी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3 BHK में या फिर 3+1 BHK में, तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये आपके लिए। आप आ सकते हैं, इस टाउनशिप को विजिट कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट आई एम श्योर जब भी आप यहाँ पर आएंगे आपको ये टाउनशिप बहुत पसंद आने वाली है एंड कोई इशू भी आपको यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको ये टाउनशिप कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना आप भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, आपके रिव्यूज़ का वेट करती हूँ एंड अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेनी है, कोई क्वेरी है आपकी, तो स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।